नमस्कार, आज हम मनोविज्ञान पेपर 3 देखेंगे। नवंबर 2017 का जो आया था उसमें हम अगले 25 क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला सवाल यहाँ पर है जो इमोशंस की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करता है, तो ये अफेक्टिव एक्सपीरियंसेस बताता है, कॉग्निटिव एक्सप्लेनेशंस को हेल्प करने में मदद करता है, और ये जो है कई सारे न्यूरोबायोलॉजिकल चेंजेस भी प्रमोट करता है। तो ए बी और सी जो है आपके करेक्ट उत्तर हो गए, तो ए बी और सी आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है असर्शन रीजन का। इसमें हर सिगरेट पैकेट पे वार्निंग लिखी हुई होती है, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। अब ये जो है ये इन कंसिस्टेंट कॉग्निशंस हैं जो हमको मोटिवेट करते हैं कि ये चीज़ बुरी है और इसे ना किया जाए। तो रीज़न इस चीज़ का सही एक्सप्लेनेशन है, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। अगला है आपका इमोशनल एंगेजमेंट की सीधे सीधे डेफिनेशन पूछी गई है। उसमें इमोशनल एंगेजमेंट का मुख्यतः मतलब ये होता है कि स्टूडेंट्स जो है वो मुश्किल चीज़ों को ज़्यादा इंटरेस्ट से करने की कोशिश करते हैं और उसको हम इमोशनल एंगेजमेंट बोलते हैं। अब टीचर जब भी एक्सटर्नल मोटिवेटर देता है, अगर कंट्रोल वे में दे रहा है, तो उसका क्या बेनिफिट होगा? वो स्टूडेंट्स में कॉम्पिटेंस को बढ़ाएगा और स्टूडेंट्स की ऑटोनॉमी को इंटरफेयर करेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स उस चीज़ को ज़्यादा करना चाहेगा जिसमें उसको एक्सट्रिंसिक मोटिवेटर मिल रहा है। तो दोनों ही चीज़ें सही हैं, हालाँकि अब क्योंकि आपको एक ही चॉइस करनी थी, आप ए को ज़्यादा प्राथमिकता दे सकते हैं। अगला है आपका कनेक्टिविस्ट व्यूज़ मेमोरी के बारे में। तो मेमोरी के कनेक्टिविस्ट व्यूज़ की थ्योरी ये कहती है कि जितने भी न्यूरॉन्स हैं उनके बीच में इंटरकनेक्शंस है जिसके द्वारा हम मेमोरी हो सकती है। तो इसमें 3 सही जवाब है। अगला है आपका असर्शन रीज़न, ये फ्रूड की थ्योरी थी। तो इसमें वापस रीज़न और असर्शन दोनों ही सही हैं और रीज़न असर्शन को सही से एक्सप्लेन करता है। अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें कई बार पेशेंट ऐसा करता है कि अपने होंठ सिल लेता है कि कोई और मुझे जहर ना पिला दे। तो ये एक डिल्यूजनल डिसऑर्डर है जिसमें उसे हमेशा भय रहता है कि कोई और उसे नुकसान ना पहुंचा दे, कोई और उसे मार ना दे। तो ये हो गया आपका डिल्यूजनल डिसऑर्डर। तो इस क्वेश्चन का जवाब होगा आपका डिल्यूजनल डिसऑर्डर। अगला क्वेश्चन आपका है ह्यूमन बीइंग्स और कंप्यूटर्स में एक मेजर अंतर है। जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो ह्यूरिस्टिक्स के प्रिंसिपल पे काम करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग के प्रिंसिपल पे काम करते हैं, और जो कंप्यूटर्स हैं वो बेसिक एल्गोरिथम्स पे काम करते हैं। तो ह्यूरिस्टिक्स और एल्गोरिथम इसका सही जवाब होगा। अगला है सोशल साइकोलॉजी में क्या क्या इंक्लूडेड है। सोशल साइकोलॉजी आपके सोशल कॉग्निशन या अंडरस्टैंडिंग की बात करता है, एथनिक डाइवर्सिटी की बात करता है, और मल्टीकल्चरलिज्म की बात करता है। तो ये तीनों ही आपके सही जवाब हो गए यहाँ पर। अब असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, इसमें सोशल पोजीशंस के हिसाब से आदमी अपने आप को बताता है या रिवील करता है, और जितनी भी इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है उसको वो हटा देता है, जो सिर्फ उसके काम की इन्फॉर्मेशन है वही वो लेता है सोशल इन्फॉर्मेशन में से। तो जैसे अगर आपको लॉन टेनिस खेलने में इंटरेस्ट है तो आप सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन फिल्टर करेंगे जो उसके काम की है, जो उसके काम की नहीं है वो इन्फॉर्मेशन आप हटा देंगे। तो रीज़न इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करता है और दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो मुख्यतः फिल्टर थ्योरी का जो बेसिस है वो यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे। अगला है जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल में सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या स्किल सेट्स हो सकते हैं, स्किल की क्या क्या वैरायटी हो सकती है, फिर किस तरीके से हम टास्क को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, टास्क का सिग्निफिकेंस क्या है, उसमें ऑटोनॉमी क्या है, और फीडबैक फिर फाइनली हम लास्ट में देखते हैं। तो इसमें आपका 2 सही ऑर्डर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्लोस थ्योरी। हार्लोस थ्योरी पे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें वो चिकन को एक कपड़े में रख देते हैं और एक में वायर मैश में रख देते हैं, तो जहाँ पर फिजिकल कांटेक्ट होता है वहाँ पर डेवलपमेंट बेटर होता है। तो ये फिजिकल कांटेक्ट के बेसिस पे क्वेश्चन था। अगला है, अब यहाँ पर 2 टर्म्स हैं, इकोफ्रेक्सिया और इकोलेलिया। इकोलेलिया जो है वो आपके बोलने पे निर्भर करता है, स्पीकिंग पे आधारित है, और इकोफ्रेक्सिया आपके वर्क पे या एक्शन पे आधारित है। क्योंकि यहाँ पर स्पीकिंग पे पूछा जा रहा है तो इकोलेलिया आंसर होगा। तो 4 आपका सही जवाब होगा। फिर अगला है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है क्योंकि इसमें साफ साफ पूछा गया है कि इनमें से कौन सा फैक्टर एनालिटिकली ड्रिवन पर्सनैलिटी इन्वेंट्री नहीं है। तो नॉट पढ़ना बहुत कई बार स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, तो इसको ध्यान रखिए। 16 PF और कॉमरे पर्सनैलिटी स्केल्स दोनों ही फैक्टर एनालिटिकली ड्रिवन है। तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी और डी। अगला क्वेश्चन है आपका जिसमें आपसे पूछा गया है कि किस ब्रेन के पार्ट से आपको भूख का सेंसेशन होता है और किस ब्रेन के पार्ट से आपको ये सेंसेशन होता है कि अब और भूख नहीं है, अब और खाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो भूख का सेंसेशन है वो लेटरल हाइपोथैलमस से होता है, और जो फुल का सेंसेशन है कि अब
अब और ज़रूरत नहीं है, वो वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस से होता है। तो आपका 2 सही जवाब होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कंफ्यूजिंग है। गोलमैन ने अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए थे, तो उसमें मोटिवेटिंग वनसेल्फ के कॉन्सेप्ट में इन तीनों चीज़ों की बात कही थी, जबकि मॉनिटरिंग फीलिंग ऑफ फ्रॉम मोमेंट टू मोमेंट की बात उन्होंने नोइंग वंस इमोशंस में कही थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इमोशनल आईक्यू का क्वेश्चन है गोलमैन की थ्योरी पे, इंपॉर्टेंट है। इन सबको ही आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। अगर आपको डिटेल लिस्ट चाहिए तो डोरस्टेप ट्यूटर पे जो हमारा डिटेल है उसमें सबमिट होगा, तो आप वहाँ देख सकते हैं। अगला है टाइम सीरीज डिज़ाइन में ऑटो कोरिलेशन एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। तो इसमें हम ऑटो रिग्रेसिव और मूविंग एवरेज की बात करते हैं, और ये ऑटो कोरिलेशन जो हैं ये इरमा के द्वारा हैंडल किए जाते हैं, जो कि स्टैटिस्टिकल मेथड या मेथड है। तो ये रीज़न इसका सही एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, और दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार बहुत कम क्वेश्चन साइकोमेट्रिक्स पे पूछे गए थे, सिर्फ जो आपका लास्ट का पैसेज है पेपर 3 का उसमें क्वेश्चन आए थे साइकोमेट्रिक्स पे, पर ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है। 2015-16 में काफ़ी सारे सवाल साइकोमेट्रिक्स पे आए थे, तो ध्यान रखिए इस टॉपिक को अच्छे से बनाए रखिए। फिर अगला है आपका फीचर एनालिसिस में इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स क्या हैं। तो कंटेक्स्ट ऑफ वर्ड जो होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब भी हम फीचर एनालिसिस की बात करते हैं हम जैसे चेयर को एक साथ नहीं देखते, हम उसका पैर अलग देखते हैं, उसका बैक अलग देखते हैं, उसकी सीट अलग देखते हैं, तो वो आप कंटेक्स्ट में एनालाइज कर रहे हैं, तो वो हो गया आपका फीचर एनालिसिस। अगला है डोलार्ड और मिलर ने ऑब्जर्वेशन की लर्निंग की बात कही थी, और उन्होंने कहा था कि ये तभी होगा जब ऑर्गेनिज्म का ओवर्ट बिहेवियर जो है रीइंफोर्समेंट से फॉलो करेगा, तो ये सही है। और कॉपिंग इन्वॉल्व्स गाइडिंग वन पर्सन बिहेवियर बाय अनदर, ये भी सही है, पर दोनों इंडिपेंडेंटली सही स्टेटमेंट्स हैं। अगला क्वेश्चन है आपका जिसमें आपसे पूछा गया है कि फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, सारी ब्रेन की इंफॉर्मेशन यहाँ पर पहुँचती है, और इमोशन जो है एक्शन लेने के पहले कहाँ पे फाइनली पहुँचते हैं, तो इसका सही उत्तर है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आपका सही जवाब होगा। अब आपको कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से याद रहती हैं, तो ये आपका असर्शन सही हो गया, पर जो रीज़न है वो गलत है, क्योंकि मेमोरीज ऑफ इमोशनली सिग्निफिकेंट इवेंट्स कैन बी एक्यूरेट एट ऑल। सो यू ये जो है ना वो एक्यूरेट होते हैं, कैन नॉट बी एक्यूरेट है, इसलिए ये रीज़न गलत है। तो असर्शन सही है, रीज़न गलत है। अगला है कैटल ने Q1, 2, 3, 4 दिए थे अपने 16 PF इन्वेंट्री में, ये सही है। क्यों? क्योंकि जो कुछ फैक्टर्स L डेटा में ही अपीयर हो रहे थे और Q डेटा में नहीं आ रहे थे, L डेटा जो है वो लाइफ रिकॉर्ड्स की बात करते हैं, तो उनको एडजस्ट करने के लिए ये नए 4 फैक्टर्स दिए गए थे। तो अगर आप कैटल की डिटेल लिस्ट देखेंगे तो ये L फैक्टर्स हैं और ये Q1, 2, 3, 4 फैक्टर्स हैं जो दिए गए थे, इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और रीज़न उसको सही से एक्सप्लेन करता है। अब अगला क्वेश्चन है नेचुरलिस्टिक डिसीजन इन्वॉल्व्स डिसीजंस एज दे अकर इन एवरीडे लाइफ, मतलब जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हो रहा है उसी तरीके से हम नेचुरलिस्टिक डिसीजन मेकिंग में डिसीजन लेते हैं, जो बिल्कुल सही है। और ये जो डिसीजन है ये कई सारे सिचुएशंस में बहुत सीरियस रैम्पिफिकेशंस कर सकते हैं हमको डिसीजन लाने में, तो रीज़न भी सही है और रीज़न इसको सही से एक्सप्लेन करता है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है और रीज़न उसकी सही एक्सप्लेनेशन है। अब ओवर एक्सटेंशन में हम क्या करेंगे कि हम एक शब्द को एक से ज़्यादा चीज़ों पे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, अंडर एक्सटेंशन में हम एक शब्द को कुछ कम शब्दों पे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे या कुछ कम एक्शंस पे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। होलोफ्रेसेटिक में हम बहुत सारे शब्दों के लिए एक ही शब्द काम में लेंगे, और टेलीग्राफिक स्पीच में जैसे टेलीग्राम में भेजा जाता है आप इम्पॉर्टेंट शब्द लिख देंगे और बीच के लिंकिंग वर्ड्स वगैरह हटा देंगे, तो वो हो गया आपका टेलीग्राफिक स्पीच। तो इसका सही मैच हो गया, ये वाला आपका इसका सही मैच हो गया। फिर अगला क्वेश्चन हो गया आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एंडोक्राइन सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट कौन करता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड है और इसको रेगुलेट हाइपोथैलेमस करता है। तो इसी के साथ हमारे ये 25 सवाल यहीं खत्म होते हैं, लास्ट के 25 क्वेश्चन बचे हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप इस चैनल पर बने रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।